पंजाब असेंबली इजलास के लिए नून लीग की हिकमत अमली तैयार। मुस्लिम लीग नून का कल पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज करने का फैसला। हमजा शहबाज नई हिकमत अमली पर, लीगी अरकान को आज एतमाद मिलेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दानियाल राठौर से। जी दानियाल बताइएगा, एहतजाज करने का फैसला किया गया है? आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून ने 8 नवंबर यानी कि कल के पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से नई हिकमत अमली मुरतब कर ली है। और ये हिकमत अमली हमजा शहबाज शरीफ जो कि ऑपोजिशन लीडर पंजाब है उन्होंने मुरतब की है। अब इजलास के अंदर ईवान के अंदर शरीक होकर बजट समेत शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और चेयर खान की मौतली और उस पर बनने वाली कमेटी पर तहफात का इजहार किया जाएगा। और हुकूमत और स्पीकर के रवैये को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि स्पीकर के डाइस के सामने भी एहतजाज किया जाएगा। असम्बली ऐवान के बाहर करने की बजाय असम्बली ऐवान के अंदर जो है एहतजाज किया जाएगा। आज इस हिकमत अमली के हवाले से और सेनेट इलेक्शन के हवाले से पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी हमजा शहबाज शरीफ ने तलब कर रखा है। 6 बजे मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में ये इजलास होगा और हमजा शहबाज शरीफ ने जो हिकमत अमली मुरतब की है पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से उस हवाले से अरकान असम्बली को एतमाद में भी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल राठौर तफसीलात से आगाह करने के लिए।